कृषि स्टोर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत लोगों को सोलर फेंसिंग जो है खेत में जो झटका मशीन लगानी होती है वो लगानी होती है, लेकिन बजट कम होने के कारण उनको बजट ज़्यादा हाई लगता है या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हाई लगता है, इसलिए वो लोग लगा नहीं पाते। तो हम जनरली सजेस्ट करते हैं लोगों को कि ऐसे जो हुक इंसुलेटर या कॉर्नर इंसुलेटर है इसी से ही आपको फेंसिंग करनी है। इससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है, बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होता और मशीन की लाइफ जो है वो लाइफ भी बढ़ती है। इंसुलेटर का काम ये होता है कि करंट को नीचे अप ना होने देना, और ये इंसुलेटर ये काम बखूबी करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन अगर आप इन इंसुलेटर्स को, जैसे इन्होंने 5 लेयर का फेंसिंग किया है, बहुत बड़ा फार्म में फेंसिंग किया है, तो ये इंसुलेटर अगर आप नहीं खरीद पाते हो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर बजट कम होने की वजह से, तो एक हमारे पास ज़बरदस्त देसी जुगाड़ आया है जो यहाँ पे किसान ने किया है। देख सकते हैं आप कि ड्रिप इरीगेशन का प्राइस का पाइप का छोटा छोटा सेक्शन यूज़ करके जो है उन्होंने वायर उसमें से बीच में से निकाल दिए। अब ऐसा यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है और आप जो है सोलर फेंसिंग एनर्जाइज़र अपने खेत में लगा पाओगे अगर आपका बजट कम है फिर भी। लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो सोलर फेंसिंग सिस्टम में हमारे एनर्जाइज़र में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सायरन का सिस्टम दिया हुआ है। ये सायरन का सिस्टम ऐसे फेंसिंग में बिल्कुल भी अच्छे तरह से काम नहीं करता। इस खेत में इनको वही प्रॉब्लम आ रही थी और वही प्रॉब्लम सॉल्व करने हम यहाँ पे आए थे, तो इसलिए इस वीडियो बनाने का हमको मौका मिला। और जनरली जो हुक इंसुलेटर होता है वो अपने बांस पे ऐसा लगेगा और वायर यहाँ से जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.2 इंचेस का जो है डिस्टेंस प्रोवाइड करता है अपना इंसुलेटर। तो 3.2 इंचेस का डिस्टेंस जो है वो 10,000 वोल्ट के सोलर फेंसिंग सिस्टम के लिए, जो अपनी सभी सोलर फेंसिंग सिस्टम जो है 10,000 वोल्ट की होती है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको जो है बैटरी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा लगता है इस खेत में। मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इनको 12 एम्पियर्स का बैटरी लगना चाहिए, पर इनको अभी 26-36 एम्पियर तक का बैटरी का इनका कंजम्पशन पर डे के बेसिस पे जा रहा है। और इसका और एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लीजिए कहीं आपका करंट जो है वो शॉर्ट हो जाता है या फिर उसको अर्थ मिल जाता है, तो अपना जो केबलिंग है उसमें से ज़्यादा करंट नहीं पास होगा। 10 kV का आउटपुट हम एडवर्टाइज़ करते हैं, 10 kV का आउटपुट कम्प्लीटली मिलता भी है अगर आप वोल्टेज आउटपुट टेस्टर से गिनेंगे तो, लेकिन इनको पूरा 10 kV का आउटपुट नहीं मिल रहा है। इनका आउटपुट जो है 6 kV to 7 kV के रेंज में हमेशा रहता है और कभी कभी उससे भी लो चला जाता है। तो इस तरह की फेंसिंग आप कर सकते हैं अगर अपनी मशीन जो है आपको लो पावर मोड में यूज़ करनी है या फिर आपको छोटे जानवर की तकलीफ है तो। लेकिन अगर आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो मैं तो आपको कहता हूँ कि आप हुक इंसुलेटर से यूज़ करें। अब हम आपको दिखाएंगे कि बीच में जो एक हमको दिखा है साइट में आने के बाद, विजिट करने के बाद, कि ड्रॉबैक कहाँ निकला है, वो ड्रॉबैक की तरफ आप बढ़ते हैं। चलिए, अब इनका हम ड्रॉबैक ढूंढने आए थे, ड्रॉबैक हमको मिल चुका है, ये मोस्ट प्रोबेबली फिक्स भी हो जाएगा। और ड्रॉबैक तीसरे ही पोल पर मिला, ये देखिए एंट्री गेट से तीसरा जो पोल है, तीसरे पोल पर ही दिखा है ड्रॉबैक। तो मैं आपको एक आवाज़ सुनाता हूँ माइक से, ये मेरा कॉलर माइक्रोफोन है। ये जो आवाज़ आपको आ रही है ये आवाज़ इस चीज़ की है कि यहाँ पे करंट जो है ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे उनका बैटरी बैकअप का नुकसान हो रहा है। ये कभी हुक इंसुलेटर में नहीं होगा क्योंकि हुक इंसुलेटर 3.2 इंचेस के आसपास दूर रखता है वायर को। CCM सोलर फेंसिंग सिस्टम, हमारे कोटेशंस, हमारी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहे होंगे। इन नंबर्स पे आप कभी भी हमको कॉल करके पूछ सकते हैं कि इसका बजट कितना होगा, कोटेशन कितना निकलेगा, ये सब आप चीज़ें हमको पूछ सकते हैं। अगर वीडियो का सारांश ये निकलता है आखिरी में कि अगर आपको अच्छी तरह से फेंसिंग करनी है तो आप ये हुक इंसुलेटर कॉर्नर इंसुलेटर का कॉम्बो जो आता है वो यूज़ कीजिए। मशीन के साथ में आपको ये 100 फ्री मिलते हैं, मशीन के साथ में ये 20 आपको जो है फ्री मिल रहे हैं। और अपनी जो मशीन है इसके बारे में आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी जानकारी को आपको चाहिए हो, तो हमारे बाकी वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कर दूंगा और हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, उस पर आप कभी भी कॉल करके हमको कुछ भी जानकारी पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।